नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9819003308 के अलावा मेरा कोई भी नंबर सोशल मीडिया या यूट्यूब पर मौजूद नहीं है। आप मुझे 9819003308 पर ही कॉल करें या व्हाट्सअप करें। अगर आप चाहें तो बाबा रिजवान खान @gmail.com पर मेल करें या गुरुजी रिजवान खान @gmail.com पर मेल करें। अगर आपसे कोई कहे कि मैं बाबा रिजवान खान का शिष्य हूं या असिस्टेंट हूं, तो आप बिल्कुल यकीन ना करें, क्योंकि मेरा कोई भी असिस्टेंट या शिष्य सोशल मीडिया यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर या टेलीग्राम पर मौजूद नहीं है। अगर वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा वो मेरा है या किसी और का। मैं मुंबई में रहता हूँ, इसके अलावा मेरा और कहीं भी कोई भी आस्थाना आश्रम या गद्दी नहीं है। अब चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। आज मैं आप लोगों को आईने का एक चमत्कारी हाजरात बताने जा रहा हूँ कि हम आईने के अंदर अपने हाजरात को हम देख सकते हैं। जी हाँ, ये एकदम जबरदस्त अमल है और मुझे मौलाना आमीन अंसारी जी ने दिया है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश के बहुत बड़े आमिल और बहुत बड़े जानकार हैं, अमलियात रूहानी अमलियात नूरानी अमलियात के माहिर कारगर हैं। बहुत ही बेहतरीन आला उम्दा किस्म की यह हाजरात उन्होंने मुझे बताई, जो बहुत ही बेहतरीन और कारगर है। इस अमल को उन्होंने भी सिद्ध किया था, इस हाजरात को उन्होंने भी सिद्ध किया था और वही उन्होंने मुझे बताया, और आज वही अमल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को इससे फैज पहुंचे और आप इसे अपने जायज़ कामों में इस्तेमाल करें। शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 11 मरतबे दरूद शरीफ पहले और आखिर में 11 मरतबे दरूद शरीफ आपको पढ़नी है। एक आईना आपको 6 से 8 इंच के साइज का लेना है। याद रखिए, जब भी आईना खरीदे उसमें अपनी शक्ल बिल्कुल न देखे। एक ऐसा कमरा देखे जिसमें कमरे में अगरबत्ती लोबांग का धुआं खुशबूदार इत्र जरूर लगाए। यह आईना लेकर आपको रोज 300 मरतबे इस पर पढ़ना है, ना एक मंत्र ज्यादा ना एक मंत्र कम। यह अमल आप कभी भी कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, अकेले कमरे में आपको यह अमल करना है। यह अमल आपको 9 दिन तक करना होगा। नहा धोकर पाक साफ होकर अमल करें। याद रखें, जगह एक ही हो, आप कमरे में कहीं भी बैठे, टेबल पे, कुर्सी पे, पलंग पे, लेकिन जगह एक ही हो। जब तक आप अमल करें वहां कोई आता जाता नहीं हो। अमल आपको एक ही वक्त में शुरू करना, जैसे आपने रात के 9 बजे शुरू किया तो यह अमल आपको रात के 9 बजे ही शुरू करना होगा। दूसरे दिन नहा धोकर पाक साफ होकर अमल करें। याद रखें, जगह एक ही हो। आपको हर रोज रात में 9 बजे अमल शुरू करना है। काबे की तरफ यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है। आप जमीन या कुर्सी पे कहीं भी बैठकर इस अमल को कर सकते हैं। जब आपको यह अमल तैयार हो जाए, तब अगर आपको खुद किसी भी गुमशुदा के बारे में या चोरी के बारे में देखना होगा, तो आप खुद इस आईने में 33 बार पढ़कर फूंक मारोगे तो आपको इस आईने में सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। याद रखिए, अमल के दरमियान आपको आईने में अपनी शक्ल को नहीं देखना है। जब आपका अमल 9 दिन पूरा हो जाएगा, 10वें दिन भी आपको अपनी शक्ल नहीं देखना है। आप जब किसी का काम करें या जब कोई काम होगा या किसी गुमशुदा की या चोरी का आपको पता लगाना है या किसी सवाल का जवाब आपको जानना है, तब आप खुद इस आईने में 33 बार पढ़कर फूंक मारोगे तो आपको इस आईने में सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आपको किसी दूसरे को आईने में हाजरात दिखाना है या उसको कोई चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करनी हो, तो आप 22 बार पढ़कर आईने पर फूंक मारें। सबसे बड़ी बात, आपको अपने दोनों हाथों की पहली उंगली में फूंक मारकर अपने दोनों हाथों की पहली उंगली, तर्जनी उंगली जिसे कहते हैं, फूंक मारकर आंखों में उंगलियों को काजल की तरह लगाए खुद के, तभी वो आईने में दिखाई देगा। या फिर सामने वाले की आंखों में दोनों उंगलियों पर पढ़कर फूंक मारकर काजल की तरह ऐसी उंगलियां घुमा दी, तो उसको आईने में सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उंगलियों को आईने के ऊपर भी घुमाइएगा, याद रखिएगा, यही एक राज की बात है। आपको गोश्त, अंडा, मछली, मटन, दारू, शराब, नशा, गुटखा, सिगरेट कुछ नहीं करना है। 9 दिन तक आप बिल्कुल शाकाहारी रहे, मांस मच्छी मटन अंडा वगैरह न खाए, उसके बाद ही इस अमल को करें।
कामयाबी रखे। अगर आप 5 वक्त नमाजी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो पाक साफ रहे, खड़े कर पेशाब नहीं करना है, बैठ कर पेशाब करना है, पानी लेना है या ईंट से आपको ध्यान रखना है, गाली गलौज नहीं करना है, गंदी बातें नहीं करना है, गंदे वीडियो नहीं देखना है, और मन में किसी को तो उस्ताद आप मान ले, उसके बाद ही ये अमल करें। यह अमल बहुत बेहतरीन है, बहुत कामयाबी वाला अमल है। अब इसका जो दुआ है, इसकी जो मंत्र है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ला इकरा फिद दीन कदता तबय्यन रश्दो मिनल गय्य, ला इकरा फिद दीन कदता तबय्यन रश्दो मिनल गय्य। ये दुआ आप पहले याद कर ले, इस दुआ को आपको 300 बार रोज पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अमल करके देखे, कामयाबी जरूर मिलेगी, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, दूसरा अमल करेंगे। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोग के सामने लाता रहूंगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूले। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।